आज की वीडियो में हम आपको आइसोट्रोइन 20 कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको आइसोट्रोइन 20 कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइसोट्रोइन 20 कैप्सूल, यह 10 कैप्सूल और 15 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। इसके 10 कैप्सूल के एक स्ट्रिप की मार्केट प्राइस लगभग 254 रुपये है और 15 कैप्सूल की मार्केट प्राइस 428 रुपये है, जो कि समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको सिप्ला लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें आइसोट्रेटोनोइन होता है, जो कि प्रत्येक कैप्सूल में 20 mg होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, आइसोट्रोइन कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल एक्ने को ठीक करने के लिए किया जाता है। चेहरे पे एक्ने हो गए हों तो उसे ये बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। यह एक प्रकार का विटामिन ए होता है, जो कि त्वचा में आयल की मात्रा को कम करता है, जिससे कि एक्ने ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन कैंसर में भी इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ में किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, आइसोट्रोइन कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कैप्सूल को एक एडल्ट व्यक्ति दिन में एक गोली ले सकते हैं और इसको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ये समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। प्रेगनेंट वुमेन्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं आइसोट्रोइन 20 कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि होंठ सूखना, स्किन जगह जगह से क्रैक होना, इसके अलावा त्वचा में रेडनेस आना, पेट में ब्लीडिंग होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी आइसोट्रोइन 20 कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।